अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्रिकेट गेम्स के रिलेटेड जो एमसीक्यूज पीपीएससी के पेपर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर आप वन पेपर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो मोस्टली गेम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी मुफीद है। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट वाज इंट्रोड्यूस इन, जो क्रिकेट है ये सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कहाँ करवाया गया था, इंग्लैंड के अंदर। क्रिकेट फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वन टीम ऑफ अ क्रिकेट। तो हर क्रिकेट की ईच टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिकेट मैच वाज डिवाइडेड इनटू अ पीरियड इज कॉल्ड, जो क्रिकेट का एक मैच होता है जिस पीरियड के ऊपर डिवाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इनिंग्स कहते हैं। और हाफ किस गेम में दिया जाता है, लाइक रिसेंटली टर्म्स के अंदर हमने पढ़ा था वो हाफ दिया जाता है, लाइक फुटबॉल का मैच हो रहा हो तो उसके अंदर जो टाइम होता है इंटरवल उसे क्या कहते हैं, हाफ। तो क्रिकेट के अंदर क्या खेली जाती है, इनिंग्स। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, मैक्सिमम वेट ऑफ अ इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल फॉर मैन एंड वुमेन, तो जो मेल के लिए जो क्रिकेट बॉल का वज़न होता है वो 163 ग्राम होता है और फीमेल के लिए 151 ग्राम। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइव टोटल हाइट ऑफ अ विकेट इंक्लूडिंग बेल्स इन, जो क्रिकेट होती है उसके अंदर जो बेल विकेट्स लगी होती हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, 28.5 सेंटीमीटर, मीन्स 2 फीट से समथिंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, कंबाइंड विड्थ ऑफ अ थ्री स्टंप्स इंक्लूडिंग स्मॉल गैप बिटवीन देम, तो ये इनके अंदर जो गैप होता है इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये होती है 9 इंच, तो दिस इज अ 9 इंच, तो कितना हो जाएगा ये, 9 इंच। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ बॉल यूज इन अ लिमिटेड ओवर ऑफ मैच, तो लिमिटेड ओवर मैच के लिए कौन सी बॉल यूज़ होती है, वाइट बॉल। तो वाइट बॉल ये फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुई थी, 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास, इन क्रिकेट डिस्टेंस बिटवीन द विकेट, तो जो विकेट के अंदर डिस्टेंस होता है लाइक, तो ये टोटल कितना होता है पिच के ऊपर, 22 यार्ड, यानी कि 66 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल क्रिकेट गेम वाज प्लेड बिटवीन, जो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच हुआ था ये 1844 के अंदर यूएसए और कनाडा के दरमियान खेला गया था। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास, टेस्ट क्रिकेट इज जनरली कंसिडर द मोस्ट कम्प्लीटली एग्जामिनेशन ऑफ अ टीम प्लेइंग एबिलिटी ऑफ अ, जो टेस्ट क्रिकेट होता है ये बहुत ज़्यादा लंबा मैच खेला जा रहा होता है, मिनिमम एक डे के अंदर मैक्सिमम 90 ओवर हर टीम ने खेलने होते हैं। तो ये इसके अंदर मोस्टली जो आपकी जो कैपेबिलिटी चेक की जा रही होती है वो होती है इंड्योरेंस की, आप में कितनी बर्दाश्त है, आपके मसल्स किस हद तक वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच टुक प्लेस बिटवीन, जो इसका पहला मैच था ये कब खेला गया था टेस्ट क्रिकेट का, इट्स बिटवीन प्लेड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 2015 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ये मैच खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज प्लेड इन विच फॉर्मेट ऑफ अ टेस्ट, जो पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला गया था ये वन डे इनिंग्स के अंदर खेला गया था, ओडीआई सीरीज के अंदर, जिसके अंदर 50 ओवर्स होते हैं पर डे के अंदर, 50 ओवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल टुक प्लेस बिटवीन, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया था 2005 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, डैश सेपरेट इन फील्ड एंड आउटफील्ड, जो आउटफील्ड और इनफील्ड होती है ये सर्कल सेपरेट कर रहा होता है, ये इस तरह क्रिकेट में आपने देखा होगा दो दायरे लगे होते हैं, ये वाला जो एरिया होता है ये इनफील्ड होता है, ये वाला एरिया जो होता है ये क्या होता है, आउटफील्ड, और ये जो लाइन होती है एंड के ऊपर इसे क्या कहते हैं, बाउंड्री। तो इसका क्या हो जाएगा, जो सेपरेट करेगा इनफील्ड और आउटफील्ड को उसे हम क्या कहेंगे, सर्कल। हाउ मैनी अंपायर आर इन अ क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच के अंदर आपने 3 अंपायर तो देखे होंगे लेकिन इसमें टोटल कितने अंपायर होते हैं, 4 अंपायर होते हैं, 2 एट अ टाइम क्रीज के ऊपर मौजूद होते हैं, एक यहाँ पर और एक क्या होता है, 3rd अंपायर होता है टीवी के ऊपर जो रिव्यूज़ वगैरह लेता है। 4th अंपायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, ही डिलीवर्ड ड्रिंक्स
बॉल्स एंड एनी अदर, कोई भी अगर मामला हो जाता है तो उसके वक्त अगर कोई रिप्लेस करना पड़ जाए तो वो फोर्थ अंपायर आके रिप्लेस करेगा। इन्हें खाना पहुंचाना, बॉल पहुंचाना और ये सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फोर की। तो क्या हो गया, क्रिकेट के अंदर कितने अंपायर होंगे? फोर अंपायर। नेक्स्ट है 16, हमारे पास कलर्ड किट आर नॉट यूज इन अ टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच में ओडीआई में भी होते हैं, टी20 में भी होते हैं, लेकिन जो टेस्ट मैच खेला जा रहा होता है उसके अंदर कलर किट यूज़ नहीं की जाती। कलर किट ना यूज़ करने की डिफरेंट रीजन है। फॉर एग्जांपल मोस्टली अगर लाइक आपने 90s ओवर खेलने होते हैं सारा दिन के अंदर और रात के अंदर अगर आपने खेलने हो तो ये वाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है, एक इसके लिए यूज़ होती है। सेकंड, ये बॉल की विजिबिलिटी को शो करने के लिए वाइट किट यूज़ की जाती है, यानी कि कलर लेस किट यूज़ की जाती है ये टेस्ट मैच के अंदर। 17 है हमारे पास विच कलर बॉल आर यूज्ड इन अ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के अंदर कौन कौन सी बॉल यूज़ होती है? रेड भी यूज़ होती है, वाइट, पिंक, और तो ये ऑल ऑफ दीज यूज्ड इन अ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईच क्रिकेट टीम प्ले बैटिंग एंड बॉलिंग टू टाइम्स इन द फॉर्मेट। जो टेस्ट फॉर्मेट होता है इसके अंदर हर टीम टू टाइम बॉल करवाती है और प्ले करती है, तो ये किस में होगा? टेस्ट में होगा। मिनिमम डैश बॉलर्स कैन बॉल टू कंप्लीट द ओवर ऑफ इनिंग इन वन डे एंड टी20। तो मिनिमम 5 बॉलर होते हैं, जो 5 बॉलर हैं ये मैक्सिमम टी20 के अंदर 4 ओवर करवा सकते हैं और क्रिकेट और वन डे के अंदर 5 जो है ये मैक्सिमम 10 ओवर्स करवा सकते हैं। तो 10 करवाएंगे 50 ओवर हो जाएंगे और 20 करवाएंगे तो ये 20 हो जाएंगे। तो मिनिमम 5 बॉलर्स जो हैं वो आपको कंपलसरी चाहिए होते हैं ओडीआई और टी20 के अंदर अपनी बॉलिंग इनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डैश ओवर आर टू बी बॉल्ड एवरी डे इन अ टेस्ट मैच। ये हम मल्टीपल टाइम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्या होगा? 90 ओवर मैक्सिमम आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक दिन में करवा सकते हैं। 21 है, हाउ मैनी सेशन ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच पर डे। तो टेस्ट मैच के अंदर जो सेशन होते हैं ये कितने होते हैं? 3 सेशन खेले जाते हैं हर टेस्ट मैच के अंदर पर डे। ईच टीम इज़ अलाउड टू मेक नो मोर देन डैश अनसक्सेसफुल रिव्यू रिक्वेस्ट पर इनिंग ड्यूरिंग अ वन डे इंटरनेशनल। तो वन डे इंटरनेशनल के अंदर और टी20 के अंदर आपको जो रिव्यू कितने मिलते हैं? 1 रिव्यू मिलता है, और 2 रिव्यू आपको किस में मिलते हैं? टेस्ट मैच के अंदर आपके पास 2 रिव्यूज होते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ द फील्डिंग पोजीशन ऑफ साइड। ऑफ साइड में क्या होगा? फ्लाई स्लिप। तो ये क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर ये आपके पास बाउंड्री होती है, इसको अगर आप दरमियान से डिवाइड करें तो ये आपके पास कौन सी होती है? ऑन साइड। और ये आपके पास क्या होती है? ऑफ साइड। तो फ्लाई स्लिप कहाँ पर होता है? ऑफ साइड के अंदर ये फील्डिंग पोजीशन है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑफ विच इज़ नॉट अ फील्डिंग पोजीशन ऑफ ऑफ साइड। तो ये स्केयर लेग जो होती है ये ऑफ साइड की नहीं होती, थर्ड मैन भी होती है और कवर भी होता है, ये किस में होता है? तो इसमें क्या होगा? स्केयर लेग जो है ये पोजीशन नहीं होगी ऑफ साइड की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन ऑन साइड, तो ये देखो हमने रिसेंटली डिस्कस किया, तो ये हमारे पास ऑन साइड आ गई है। तो जो यहाँ पर प्लेयर खड़ा होता है इसको क्या कहते हैं? डीप मिड विकेट। एक यहाँ पर और यहाँ पर, ये दरमियान में खड़ा होगा तो इसको क्या कहेंगे? डीप मिड विकेट में। तो ये ऑफ साइड की पोजीशन है ऑन साइड की। विच इज़ नॉट द फील्डिंग पोजिशन ऑफ ऑन साइड, तो ये सिली पॉइंट जो है, ये सिली पॉइंट कहाँ पर होता है? जो यहाँ पर अगर प्लेयर यहाँ पे टीम प्ले करिए अगर यहाँ पर कैच हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? सिली पॉइंट। तो ये क्या है? सिली पॉइंट ऑन साइड पर नहीं होती, ये ऑफ साइड की पोजीशन है। 27 है हमारे पास, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर इज आल्सो नाउन एज अ। तो लेफ्ट आर्म जो बाएं हाथ से बॉलिंग करवा रहा होता है इसे चाइना मैन भी कहते हैं, अनऑर्थोडॉक्स और रिस्ट स्पिनर, ये ऑल ऑफ दिस इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चाइना मैन इज़ अ नेम ऑफ, अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया, तो ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर के लिए यूज़ होगा। मोस्टली आर्मर इज़ द डिलीवरी ऑफ, तो ये लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर करवाता होता है। विच इज़ नॉट द डिलीवरी ऑफ ऑफ स्पिनर, तो ये गूगली जो होता है ऑफ स्पिनर नहीं करवाता। नेक्स्ट है 31, फास्ट बॉलिंग इज़ आल्सो नाउन एज अ पेस बॉलिंग, जिसे हम पेसर भी कहते हैं, फास्ट बॉलर को मोस्टली आपने सुना होगा, ही इज़ अ गुड पेसर इन अ क्रिकेट। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ अ फास्ट मीडियम बॉलर, तो जो फास्ट मीडियम बॉलर होता है उसकी मैक्सिमम जो स्पीड होती है 130 से 144 के राउंड अबाउट होती है। नेक्स्ट है
33 है हमारे पास डैश द बॉल पिच सो फार अप टू द बैट्समैन डैट ही कैन ड्राइव इट फ्रैक्शनली आफ्टर द हिट ऑफ द ग्राउंड विदाउट मेकिंग एनी मूव, तो इसे क्या कहेंगे, हाफ वॉली कहते होते हैं। नेक्स्ट 34 है हमारे पास अ फुल टॉस विच रीच द बैट्समैन अबव द वेस्ट इज कॉल, अगर ये बैट्समैन खड़ा हुआ है तो यहाँ से अगर आप फुल टॉस बॉल करवाते हैं और उसकी वेस्ट के अबव जा रही है तो उसे क्या कहा जाता है, बीमर। मोस्टली पुल शॉट प्लेड इन अ डीप मिड विकेट, तो ये जो डीप मिड विकेट है यहाँ से पुल शॉट मोस्टली खेली जाती हैं, लाइक जो सिक्सर वगैरह लगाए जाते हैं। नेक्स्ट 36 है हमारे पास स्ट्रेट ड्राइव इज़ आल्सो कॉल्ड अ बॉलर बैक ड्राइव, तो ये बॉलर बैक ड्राइव भी इसे कहा जाता है। डैश द टर्म फॉर एनी पुअरली एग्जीक्यूटेड शॉट विच रिजल्ट इन एन इन साइड एच विच नैरोली मिस हिटिंग द स्टंप, इसे कहते हैं चाइनीज कट कहा जाता है इस चीज़ को। नेक्स्ट 38 है हमारे पास डैश इज़ द शॉर्ट प्ले टू वर्ड द थर्ड मैन यूजली हिट वेन द बॉल इज पिच आउटसाइड द ऑफ स्टम्प एंड एक्स्ट्रा बाउंस, तो इसे क्या कहते हैं, हम अपर कट कहते हैं। डैश द स्ट्रोक इज यूजली डिजाइन टू स्टॉप द बॉल फ्रॉम हिटिंग द विकेट ऑफ अ बैट्समैन बॉडी, तो इसे डिफेंसिव शॉट कहा जाता है। ये मोस्टली टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको देखने को ये मिल रही होते हैं, जिसे हम मोस्टली हमारी पाकिस्तानी कॉमन जुबान में कहते हैं कि प्लेयर टुक टुक करके खेल रहा है। नेक्स्ट 40 बिटवीन विच कंट्री द एशिज ट्रॉफी प्लेड, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है एशिज ट्रॉफी, आपको पता है ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली जाती है। 41 है डैश हैज़ वोन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने जीता है क्रिकेट में। विच इज़ द स्टाइल ऑफ अ बॉलिंग, तो ये फ्रंट ऑन साइड ऑन एंड सेमी ऑन, ये आपके पास विकेट होती है, यहाँ पे विकेट लगी हुई है, ये पिच है, तो यहाँ से आप फ्रंट ऑन साइड ऑन सेमी ऑन, तो ये सारी पोजीशन इसमें मौजूद है। ड्यूरिंग फील्डिंग आइज ऑन द डैश अंटिल यू होल्ड द बॉल, तो ये बॉल के ऊपर आपकी आंखें होनी चाहिए जब तक आप बॉल नहीं पकड़ लेते। डैश क्रीज आर ऑन द क्रिकेट पिच, तो कौन सी होती है, बैटिंग क्रीज भी होती है, बॉलिंग भी होती है, पोपिंग भी होती है और रिटर्निंग क्रीज भी होती है, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये तमाम क्रीज जो होती हैं क्रिकेट पिच के ऊपर मौजूद होती हैं। डैश एन ओपनर हु इज़ नॉट आउट ऑफ एट द एंड ऑफ अ कम्प्लीटेड इनिंग सेट हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, कैरीड द बैट, ऐसा प्लेयर जो अभी क्रिकेट के अंदर खेल रहा होता है लेकिन वो प्ले खेले नहीं आता और उससे पहले ही टीम मैच जीत जाती है, तो उस इनिंग में क्या कहते हैं उस प्लेयर को, कैरीड द बैट। नेक्स्ट है इन क्रिकेट डीआरएस कहते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम, तो इसे क्या कहा जाता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जो हम रिव्यू लेते हैं, तो ये T20 के अंदर हमने देखा था हमें एक अलाउ होता है और वनडे क्रिकेट के अंदर एक अलाउ होता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको दो डिसीजन रिव्यू अलाउ होते हैं। द मार्जिन ऑफ फॉलो ऑन इज करंटली डैश रन इन द इंटरनेशनल मैच, तो ये कितना होता है मार्जिन ऑफ फॉलो ऑफ का, 200 रन। अ पिच इज एन अनयूजली हाई अमाउंट ऑफ अ विजिबल ग्रास दैट माइट बी एक्सेप्टेड टू असिस्ट, तो जो अगर ऐसी पिच जिसके ऊपर थोड़ी बहुत घास ज़्यादा विजिबल होती है, तो ये पेसर बॉलर जो होते हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है अपनी डिलीवरी को फास्ट करने के लिए, यानी कि फास्ट बॉलर के लिए। द आइडियल प्लेस फॉर द स्टॉक डिलीवरी टू अ पिच इन इट्स ट्रैजेक्टरी फॉर्म ऑफ अ बॉलर बैट्समैन, तो ये क्या होती है, गुड लेंथ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कैप्टन विल यूजली सेट अ वेरी हाई अटैकिंग फील्ड, तो ये बड़ी हाई अटैकिंग फील्ड अगर कैप्टन टीम के अंदर ग्राउंड के अंदर लगा रहा होता है जब आपके पास हैट्रिक बॉल का चांस होता है, तो ये मोस्टली जो क्वेश्चन थे हमने आपके साथ शेयर किए हैं ये क्रिकेट के रिलेटेड हैं। अगर फर्दर आपको ये वीडियो का आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम बाकी वीडियोज़ भी क्रिकेट के रिलेटेड आपके साथ शेयर करेंगे।